भाई आज हम जा रहे हैं पिज्ज़ा बनाने के लिए सामान लाने कहाँ? मार्केट, मतलब मार्केट जा रहे हाँ हैं। और मतलब घर में कुछ सामान था और कुछ नहीं था, तो उसके लिए लाना तो पड़ेगा यार, जुगाड़ो कुछ तो करना पड़ेगा। और मुझे तो आता नहीं है पिज्ज़ा बनाना, तो चलो थोड़ा लॉकडाउन में मार्केट क्या ही घूमने मिल आते हैं। सकता है बाहर? हाँ मिल तो सकता है भाई। डिलीवरी एड्रेस तो सब बंद है हाँ मतलब यहाँ तो जोमाटो वोमाटो है नहीं, ही तो नहीं, इसीलिए हमको लेना पड़ रहा है। जुगाड़ बिठाना पड़ रहा है। हाँ चलो हम मार्केट पहुंच गए हैं, और यहाँ मॉल पे मतलब सामान कुछ मिलने लगा। भाई क्या है ये, मतलब सॉरी ये है आई थिंक क्या है ये? ये मोजरेला चीज़ क्या है, मोजमूस? क्या मोजरेला मोजरेला चीज़। चीज? हाँ अरे मैं मतलब तू आवाज़ क्यों कर रहा है, थोड़ा आराम से चल ढूंढ, मतलब इतना सामान तुझे बताया। चलो 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 क्या ढूंढे अभी? अभी मुझे मिलने रहा है यार, मुझे मायोनीज सुन 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 चाहिए। सुन और सुन सुन, अरे यहाँ देखो मायोनीज भरा पड़ा है, पर मुझे अपना वाला मायोनीज नहीं मिल रहा है। कौन सा वाला लूँ, ये वाला ये ठीक ब्राउन वाला रहेगा, क्या वो है? वाला थोड़ा मिक्स्ड है कुछ, ये ये वाला वाला ले, ठीक ये है, मतलब वाला ले। एगलेस मायोनीज वाला वो वाला ठीक रहेगा। और अभी लेते हैं पिज्ज़ा सॉस, मतलब डॉपिंग्स के लिए। और ये हमारा हो गया मार्केटिंग। और बिलिंकल वाले चलो। हाँ चलो, और अभी हम लौट रहे हैं घर। घर आके भाई हमारे पास तो पहले से ही पिज़्ज़ा बेस स्वीट कॉर्न ये सब था, तो सब कुछ ना काट वाट कर हमने रख दिया था, और अभी इसको बस असेंबल करना है। असेंबल करने से पहले हमको थोड़ा सॉटे करना है सारे वेजिटेबल्स जो भी हमने काट के रखे थे। तो अभी ये देखो कॉर्न, कॉर्न को डालना है तेल में, थोड़ा स्प्रिंकल करके कॉर्न को डाल देना है। और उसके बारीक के बाद साथ? नहीं हाँ वही बारीक के साथ। और उसके बाद उसको नमक? थोड़ा नमक और ब्लैक पेपर है तो आपके पास आप डाल सकते हो आराम से। और ये देखो हमारा कॉर्न रेडी है, ये तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अभी खा लूँ, पर कोई गरम नहीं, है? नहीं गर्म है पर बहुत अच्छा लगता है। अभी हमको क्या करना है, और एक बार और डाल के उसको, मतलब ऑनियंस को, चॉप्ड ऑनियंस थे उसको थोड़ा, प्याज? हाँ प्याज को हमको थोड़ा सॉटे करना है, मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक, ब्राउन भी पूरा ना थोड़ा सा, बस 1 मिनट तक, मतलब बहुत अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा तेल में मतलब रेड पाउडर? रेड पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी डालकर उसमें पनीर को थोड़ा सॉटे करना है, और आप तेल अपने हिसाब से डाल दो। देखो पनीर कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप चाहें तो सोना भी डाल सकते हैं, गोल्डन गोल्डन लगे। हाँ तो ये देखो अपना पनीर, पनीर भी रेडी हो गया है। और अभी उसको सब कुछ साइड में रख के हमको पिज़्ज़ा का मतलब प्रेप करना है, या प्रिपरेशन करना है पिज़्ज़ा डालने से पहले। हम लोग पैन पिज़्ज़ा बनाने हैं, वो बहन एक्चुअली नहीं है, तो पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम लोग। तो अभी ये पिज़्ज़ा बेस है, पिज़्ज़ा बेस को रख के उसमें हम लोग पहले से ही जो भी हमने खरीद कर रखा था पिज़्ज़ा का सॉस उसको डाल देना है। और उसको डालने के बाद अच्छे से, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अच्छे क्या से है? डालना ये है। क्या चीज़ है रेड वाला? ये पिज़्ज़ा सॉस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। और ये देखो मायोनीज है, मायोनीज मायोनीज है या मक्खन? नहीं मक्खन नहीं है, मायोनीज ही है। मायोनीज और पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा कर पिज़्ज़ा बेस पे, उस मायोनीज पे को और क्या बोलते हैं? माउस? मायोस। माउस हो। और उसमें फिर हमको कॉर्न डाल देना है, स्वीट कॉर्न और प्याज, और जो भी आप डाल सकते हो, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो। कैप्सिकम मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो, ब्रोकली कुछ भी डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। और उसके बाद पनीर डाल देना है, पनीर को आप छोटे छोटे पीस मतलब टुकड़े करके फिर डाल सकते हो, इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद द बिग वन। एंड सब कंफर्टेबल है, हाँ सब जितना ज्यादा कम्फर्टेबल। सब उसके अच्छा है। बाद द मेन पार्ट, चीज़ मोज डालना है, मोज मोजरेला चीज़ डालना है। चुगान भी नहीं आ रहा है। हाँ तो फिर उसको चीज़ डालना है इसके ऊपर। चीज़ डालने के बाद उसमें थोड़ा नमक और रेड चिल्ली पाउडर आप स्प्रिंकल कर सकते हो, और हो गया। आग जलना नहीं है? नहीं हाँ मतलब गैस स्टोव जला कर उसमें थोड़ा मतलब ऑयल डालकर उसको मतलब ढक्कन बंद कर देना है, धीमी आंच में पूरा लो फ्लेम में डालना है कम से कम 10 मिनट तक। और ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी, मतलब कितना मस्त लग रहा है अभी, मतलब इतना मुझे। और पिज़्ज़ा कटर हमारे पास था नहीं, तो ये हमने अपना घरेलू जुगाड़ यूज़ किया, और ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार। चलो खा जाओ।